जय हिंद। मैं गौरीशंकर पांडे आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओपन स्कूल परीक्षा को लेकर बोर्ड के द्वारा क्या दिशा निर्देश जारी किया गया है, बच्चों को परीक्षा कैसे देना है, किस प्रकार से देना है, कब उनको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कब उनको जमा करना है और उसकी क्या क्या विधियाँ होंगी, ये आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इसके पहले मैं आप सभी से यह निवेदन करूँगा कि आपके परिचय में जितने भी बच्चे ऐसे होंगे जो कि 10वीं या 12वीं के ओपन परीक्षा में बैठे होंगे और यदि आपके पास उनका व्हाट्सएप नंबर होगा तो इस वीडियो के लिंक को आप उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि 10वीं और 12वीं की जो ओपन की परीक्षाएं थी वह 24 मई से लेकर 15 जून तक आयोजित होने वाली थी, जिसको कि कोरोना के संक्रमण के कारण स्थगित कर दिया गया था लेकिन रद्द नहीं किया गया था। अब उन परीक्षाओं को राज्य सरकार के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने किस प्रकार से लेना है उसका एक समय सारणी जारी किया गया है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा जो 2021 में बैठने वाले छात्र थे उनको प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका जहाँ से वो फॉर्म भरे थे, जो उनका अध्ययन केंद्र है वहाँ से उनको मिल जाएगा। इसके लिए 12वीं के लिए 21 तारीख से 25 तारीख तक यानी 21 जून से 25 जून तक प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं को वितरण करने का कार्य किया जाएगा और 10वीं के लिए 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक प्रश्न पत्र वितरण का कार्य किया जाएगा। बच्चों को जिस भी दिन प्रश्न पत्र दिया जाएगा उसके ठीक 5 दिन बाद उनको जमा करना होगा। जैसे 12वीं के जिन बच्चों को 21 जून को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा उन्हें 26 जून को जमा करना पड़ेगा। जिनको 22 जून को दिया जाएगा उनको ठीक 5 दिन बाद 22+5 27 यानी उन्हें 27 जून तक अध्ययन केंद्र में उत्तर लिख करके जमा करना होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के मुख्यालय से यानी रायपुर से परीक्षार्थियों को SMS किया जाएगा कि छात्र को किस दिन प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए संबंधित अध्ययन केंद्र में जाना है और किस दिन उनको जमा करने के लिए जाना है। यदि किसी विद्यार्थी को SMS नहीं मिलता है तो वो वितरण के अंतिम दिन उपस्थित होंगे, मतलब 12वीं वाले 25 जून को और 10वीं वाले 5 जुलाई को उपस्थित होंगे जिनको SMS नहीं मिलेगा। यदि कोई विद्यार्थी इस दौरान कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो वह प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए अपने जगह किसी और को अधिकृत कर सकता है। उसके लिए उसको अपना आधार कार्ड नंबर, एडमिट कार्ड अगर मिल गया है तो उसका नंबर और नहीं तो बाद में नेट पर डाल दिया जाएगा उसका नंबर देना होगा, अपना मोबाइल नंबर दे करके और संबंधित व्यक्ति को भेजना होगा और साथ में कोरोना पॉजिटिव का सर्टिफिकेट भी उसको देना होगा। आवेदन कैसे लिखना है उसका प्रारूप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, उसको आप देख सकते हैं। परीक्षार्थियों को जो मुख्य उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसके 40% के अनुपात में कम से कम एक पूरक यानी सप्लीमेंट्री उत्तर पुस्तिका भी दिया जाएगा। मान लीजिए वो भी भर जाता है तो छात्रों को क्या करना है कि बाजार से A4 साइज का पेपर खरीद लेना है और उसके हर पेज में जितने भी पेज में आप लिखेंगे अपना रोल नंबर डाल देना है, सब्जेक्ट डाल देना, सब्जेक्ट कोड यानी जो भी मुख्य उत्तर पुस्तिका के प्रथम पेज में लिखेंगे उस पेज में भी लिख देंगे और जो सप्लीमेंट्री उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा उसके साथ ही अटैच करके इसको जमा कर देना है। जमा करते समय एक बात का ध्यान देंगे कि जब भी आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करने जाएंगे तो केंद्र पर जो उपस्थिति पत्रक होगा उसमें अपना हस्ताक्षर जरूर करेंगे। इस प्रकार से जितनी भी आवश्यक जानकारी थी मैंने इस वीडियो में देने का प्रयास किया। इसके अलावा और कोई अगर निर्देश आता है तो अपने वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी के सुखद भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।